भारतवर्ष के कोने कोने से सपने देखने वाले, जिंदगी के लिए सीरियस वाले, सीरियस जो लोग आज इस मीटिंग में जुड़े हैं, आप सभी का इस मंच पे मैं तहे दिल से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मुझे बहुत ही खुशी है क्योंकि आज पूरी दुनिया, खास करके इंडिया की बात करें तो 130 करोड़ की जनता जो है वो ठंडी का मजा ले रही है, वो नींद में है। लेकिन आज कुछ चुनिंदा लोग जो अपने बिजनेस को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने सपनों को लेके सीरियस है, वो सुबह 6:30 बजे एकदम तैयार होकर इस मीटिंग में आ चुके। दोस्तों, मैं चेतन चावड़ा इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ गुजरात से। और दोस्तों, जिंदगी में कामयाब होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक है इंसान के अंदर भूख होनी चाहिए, और दूसरा मेहनत करने के लिए एक सही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सही रास्ता होना चाहिए। अगले 20 मिनट के अंदर मैं आज आपको एक ऐसा मौका दिखाने वाला हूं जिसने हिंदुस्तान में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, यूपी, गुजरात, सभी जगह पे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में एक बदलाव लेके आया। एक ऐसा मौका जिससे आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते। अगले 20 मिनट आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस 20 मिनट को पूरे ध्यान के साथ, पूरे अटेंशन के साथ देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप मेरी बात को सुनने को तैयार है, इस मौके के लिए तैयार है, तो एक बार वेव कर दीजिए, मुझे अपना हाथ ऐसे दिखा दीजिए जिससे कि हम प्रेजेंटेशन को शुरू कर सके। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपके सामने, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। ओके, तो दोस्तों अभी मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले अगले 2 मिनट के अंदर आपको मुझे ध्यान से सुनना है। ये 2 मिनट आपका अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगले 2 मिनट में मैं आपको क्लियर करूंगा कि आज की मीटिंग का पर्पस क्या है, हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में क्या चेंज लेके आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें लेफ्ट साइड में एक काला कलर का पहिया है जिसमें लिखा है ड्रीम व्हील, और राइट साइड में दूसरा एक पहिया है जिसमें लिखा है इनकम व्हील। अब देखिए, जो सपनों का पहिया है, दुनिया में हर व्यक्ति सपना देखता है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर कोई सपना देखता है। और हमारे लगभग सपने कॉमन होते हैं। हम एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशहाली देना चाहते हैं, दुनिया की सैर करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने सपनों का एक पहिया बनाते हैं तो वो पहिया अक्सर बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन ये जो जिंदगी की गाड़ी है वो कभी एक पहिए पे नहीं चलती है दोस्तों। मुझे मालूम है कि आपने जिंदगी में कभी कोई ऐसा स्कूटर नहीं देखा है जिसका एक पहिया हो, उसको चलाने के लिए दूसरे पहिए की जरूरत पड़ती है। और दूसरा पहिया जो है, एक पहिया सपनों का है, हमारी जरूरतों का है, और दूसरा पहिया हमारी इनकम का है दोस्तों। लेकिन आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक पहिया बहुत बड़ा है और दूसरा पहिया उसके सामने छोटा पड़ गया, यानी कि सपने बड़े हैं लेकिन इनकम है 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, और इस 20-30 हजार की इनकम में ये बड़े सपने हमारे पूरे नहीं हो रहे। तो जिंदगी की गाड़ी को स्मूथली चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पहियों की साइज सेम करनी पड़ेगी। अब ये साइज सेम करने के लिए 98% लोग, यानी कि 100 में से 98 लोग क्या करते हैं, वो अपने सपनों का गला घोटते हैं दोस्त, वो अपने सपनों को मारते हैं, वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द का नाम है कॉम्प्रोमाइज। स्वीट होम में से स्वीट निकल जाता है जैसा जैसा भी घर चलेगा, या तो भाड़े के मकान में रह लेंगे। ड्रीम कार में से ड्रीम निकल जाता है, गाड़ी मिल गई तो ठीक है वरना टू व्हीलर पर चले जाएंगे। मतलब वो अपनी जिंदगी में सपनों को मारते हैं क्योंकि उनके पास इनकम बढ़ाने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर आज आपने ध्यान से सुना तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका इनकम का पहिया यहाँ पे बड़ा होने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे दुकान चला रहे, आप चाहे स्टूडेंट है, आप चाहे हाउसवाइफ है, आप चाहे रिटायर्ड पर्सन है, आप जो भी कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटे में आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करके अपनी इनकम का पहिया बड़ा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हमने बात जब इनकम की है, पैसों की है, तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि पैसा आता कैसे, ये पैसा, इसका फंडामेंटल क्या है। देखिए, आपको स्क्रीन पे एक चीज दिखाई दे रही है, टाइम इक्वल टू मनी। आपने बुजुर्गों से सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, अपने टीचर से सीखा होगा कि समय ही पैसा है, और ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक व्यक्ति अगर 8 घंटे काम करता है, मान लीजिए उसके 15,000 रुपया सैलरी, अब उस व्यक्ति को यहाँ पे 8 घंटे काम करने का 15,000 रुपया मिलता है, यानी कि समय के बदले पैसा मिलता है। अगर उस व्यक्ति को डबल पैसा कमाना है, यानी कि 30,000 रुपया कमाना है, तो उसको 16 घंटे काम करना पड़ेगा, जो लगभग लगभग नामुमकिन है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ट्रैफिक के, आराम के, और सोशल मीडिया के भी घंटे लग जाएंगे वहां पे, तो 16 घंटे काम करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने 16 घंटे काम करके अपनी इनकम को डबल कर,
अब यहां से आप अपनी इनकम को और डबल करना चाहते हैं, यानी कि आप 30,000 के 60,000 कमाना चाहते हैं, अब आपको 32 घंटे काम करना पड़ेगा। अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोस्तों 24 घंटे के बाद डेट चेंज हो जाती है। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से हमने देखा कि हमारी इनकम जो है वो लिमिटेड हो जाती है। इस हिसाब से तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपया कमा नहीं सकता, लेकिन हमने तो देखा है कि कुछ लोग तो बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ लोग हर साल करोड़पति बनते हैं, कुछ लोग हर महीने करोड़पति बनते हैं, और इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन का 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, यानी कि बड़ा पैसा कैसे कमाए। अब इसको समझने के लिए आपको ना इस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर में 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो पीले कलर की पट्टी में ऊपर लिखा है एम्प्लॉयर, यानी कि ये देखिए कंपनी का स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे ऊपर मालिक है, जो सीईओ लिखा है वो उस कंपनी का मालिक है। फिर उसने अपनी टीम में 2 मैनेजर को नौकरी पे रख लिया, फिर मैनेजर के टीम में सुपरवाइजर है और सुपरवाइजर की टीम में यहाँ पे वर्कर है। आप दुनिया की किसी भी कंपनी में चला जाए ऐसा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा। चाहे आप किसी स्कूल में चले जाए, वहां पे प्रिंसिपल होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर सुपरवाइजर, फिर टीचर होते हैं। आप कहीं पे भी चले जाए, किसी होटल में चले जाए, किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, किसी भी फर्म में चले जाए, ऐसा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिले। अब ये स्ट्रक्चर में 2 प्रकार के लोग हैं। ये जो पीले कलर में है वो है मालिक, यानी कि वो 2% कैटेगरी, अमीर लोग जिसको बोलते हैं, जो अनगिनत पैसा कमाते हैं उस कैटेगरी में है। और बाकी के जो नीला कलर है, ब्लू कलर है, वो सभी एम्प्लॉय है, मैनेजर से लेकर सुपरवाइजर वर्कर सब लोग एम्प्लॉय है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि एम्प्लॉय जो है वो हमेशा 98% कैटेगरी में रहता है, वो एक लिमिटेड इनकम कमाता है, वो जिंदगी भर काम करने के बाद भी करोड़ों रुपया नहीं कमा पाता, यानी कि अमीर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि देखिए वर्कर क्या बोलता है कि सर मैं वर्किंग करूंगा, मैं कंपनी के लिए काम करूंगा, मैं 8 घंटे काम करता हूं, मुझे सैलरी दीजिए, मान लीजिए 10,000 रुपया सैलरी, तो उसको 8 घंटे की सैलरी मिलती है। सुपरवाइजर क्या बोलता है कि मैं इन लोगों से काम कराऊंगा, मैं सुपरविजन करूंगा 8 घंटे, मुझे सैलरी दीजिए, मान लीजिए सुपरवाइजर की सैलरी 18,000 है। और मैनेजर बोलता है मैंने MBA किया है, बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं कंपनी को आगे लेके जाऊंगा, लेकिन मैं भी 8 घंटे सर्विस दूंगा, तो मुझे आप 50,000 रुपया सैलरी दीजिए। तो यहाँ पे मैनेजर, वर्कर, सुपरवाइजर सभी लोग जो काम करते हैं वो 8 घंटे का ही पैसा लेते हैं। लेकिन मान लीजिए इस पूरी कंपनी में अगर 1,000 लोग नौकरी करते हैं और 1,000 लोग अगर 8-8 घंटा काम करते हैं, तो इस पूरी कंपनी में 8,000 घंटे काम होगा, और उस 8,000 घंटे जो काम होगा वो सारा का सारा पैसा किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा, कंपनी यानी मालिक को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक टीम बन चुकी है, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, ये टीम कंपनी के लिए काम करती है, लेकिन कंपनी तो मालिक के लिए काम करती है ना। सुपरवाइजर काम करके पैसा कमाता है, मैनेजर काम करके पैसा कमाता है, वर्कर काम करके पैसा कमाता है, और मालिक काम करा के पैसा कमाता है। वर्कर, सुपरवाइजर ये सब लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं। जैसे एक वर्कर अगर आज नहीं आया तो वो दूसरे वर्कर आया है उसका पैसा इसको नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ अपनी मेहनत का मिलेगा। ये सिर्फ अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और मालिक दूसरों की मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो टाइम इक्वल टू मनी में अगर आप देखेंगे तो वर्कर के लिए 8 घंटे, सुपरवाइजर 8 घंटे, मैनेजर 8 के लिए, मालिक के लिए 8,000 घंटे। दोस्तों एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा रिलायंस, जिसमें 2,50,000 एम्प्लॉय है। अगर 2,50,000 लोग रोज के 8 घंटे काम करेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितने लाख घंटे उस व्यक्ति के लिए काम हो रहा है, इसीलिए वो इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चली कि अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है तो हमें एक ऐसी टीम बनानी पड़ेगी और वो टीम काम करे उसका भी हमें फायदा मिलना चाहिए। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में हो सकती है, नौकरी में नहीं हो सकती, दुकान खोल के या खेती बाड़ी में ये चीज नहीं हो सकती है। तो हमने ये 2 डिफरेंस देखे कि जो गरीब आदमी है समय को बेचता है, अमीर आदमी समय खरीदता है। गरीब आदमी टीम का हिस्सा है, अमीर आदमी टीम बनाता है। गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है और अमीर आदमी अपने पैसों से काम कराता है। इन शॉर्ट इस दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो टीम बनाता है, टीम का मालिक बनता है, और दूसरा जो टीम का पार्ट बनता है, टीम का हिस्सा बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर बने तो आपको टीम का मालिक बनना पड़ेगा, यानी कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आप जब बिजनेस करने जाएंगे तो कुछ चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहला चैलेंज है इन्वेस्टमेंट। आज मार्केट में 1,000 कमाने तो लाखों रुपये पहले लगाने पड़ते हैं, लाखों के लिए करोड़ों रुपये लगाने पड़ेंगे और करोड़ों के लिए खरबों रुपये लगाने पड़ेंगे। इसीलिए जो अमीर है वो और भी अमीर बन जाता है और गरीब और गरीब बन जाता है। सिर्फ पैसा लगाने से सब कुछ नहीं होगा, उसके बाद अनुभव भी चाहिए। आपने 2 करोड़ रुपया लगा दिया, बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो पैसा चला गया। उसके बाद कंपटीशन फेस करनी पड़ती है, लोन लेनी पड़ेगी, उसका इंस्टॉलमेंट भरना, और आपने पैसा लगाया तो वो पैसा जाने का खतरा भी रह सकता है, और दुनिया भर के टैक्स वगैरह भी आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे। ये सारे जो है लिमिटेशन की वजह से कई सारे लोग बिजनेस से दूर है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, अनुभव की जरूरत नहीं, क्योंकि अनुभव लोगों की टीम आपको मदद करेगी। इसमें 0 कॉम्पिटिशन है। आपको 1 रुपए के लोन लेने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ लगाया नहीं तो रिस्क भी 0 है यहाँ पे, और टैक्स का आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 100% लीगल बिजनेस है।
ऐसा कौन सा बिजनेस है, तो उसके लिए हमें एक फंडामेंटल समझने की जरूरत है और उस फंडामेंटल का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों दुनिया में आप जो भी चीज सुबह से लेकर रात तक इस्तेमाल करते हैं वो आपको किसी ना किसी ने बेची है, आपको सेल की गई है। तो सेलिंग की दो पद्धति होती है, एक होती है ट्रेडिशनल सेलिंग, दूसरी होती है डायरेक्ट सेलिंग। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में सबसे नीचे कस्टमर लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आप दुकान में जाके 10 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं तो आप उस सामान को कंपनी से नहीं खरीदते, दुकानदार से खरीदते हैं। दुकानदार को वो सामान रिटेलर देके जाता है, रिटेलर को होलसेलर देके जाता है, होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो C&F से लेता है, और C&F जो है वो अल्टीमेटली कंपनी से प्रोडक्ट लेता है। यानी कि जो प्रोडक्ट आप किसी भी दुकान से खरीदते हैं वो प्रोडक्ट खरीदने पे वो प्रोडक्ट पहले 5 से 6 बार बिक चुका है। कंपनी ने C&F को बेचा, C&F ने डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने आपको बेचा, तो अल्टीमेटली सब का प्रॉफिट आपकी जेब से जाता है। उसके बाद आजकल हम देख रहे हैं कि टीवी में, रेडियो में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े मार्केट में होर्डिंग लगे होते हैं, वो बहुत ये जो पब्लिसिटी होती है, मीडिया पब्लिसिटी होती है, उसके पीछे करोड़ों रुपए का खर्चा किया जाता है। हम लोग देखते हैं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, ये लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करते हैं, तो वो मार्केटिंग करने के लिए भी बहुत सा पैसा लगता है, और 150 चैनल है वो सारी चैनल वो एड को दिखाने का भी पैसा लेती है। ये सारा खर्चा आखिरकार प्रोडक्ट की MRP पे जोड़ा जाता है, और जो प्रोडक्ट 2 या 3 रुपए में बनती है वो कस्टमर को 10 रुपए में बेची जाती है। यानी कि 60-70% पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है और मार्केटिंग में चला जाता है। ये एक ट्रेडिशनल सेलिंग हो गया। दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने किसी भी उत्पाद का मीडिया पब्लिसिटी नहीं करती है, वो पैसा खर्च नहीं करती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, देखिए नाम ही है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कंपनी डायरेक्टली महज एक सिंपल फ्रेंचाइजी के माध्यम से कस्टमर को प्रोडक्ट देती है। तो बीच में जो 5 लोग है वो खर्चा वहां से निकल गया और मीडिया पब्लिसिटी का खर्चा निकल गया। तो ये सारा का सारा पैसा जो बच जाता है वो कस्टमर को कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। 60% रुपया जो मीडिया लेके गया, बड़े बड़े स्टार लेके गए, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर लेके गए, वो 60% रुपीज आपके पास कमाने की एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसे थोड़ा और समझते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया की एक विजनरी कंपनी जिसकी हेड ऑफिस जयपुर में है, ये एक इंडियन कंपनी है जिसको 12 साल हो चुके हैं, 13वें साल से सक्सेसफुली रन कर रही है, 600 करोड़ का टर्नओवर है, और लगभग हिंदुस्तान के हर कोने तक आज इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी ने एक जबरदस्त कंसेप्ट को लॉन्च किया। देखिए ये कंपनी के सारे सर्टिफिकेट है, ये 100% लीगल कंपनी है। उसने कंसेप्ट को लॉन्च किया, उस कंसेप्ट का नाम है दुकान बदलो जिंदगी बदलो। मैं फिर से कहूंगा, दुकान बदलो जिंदगी बदलो, चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ। अब आप कहेंगे सर ये शॉप कैसे बदलना है और शॉप बदलने से जिंदगी कैसे बदले। दोस्तों हम लोग सुबह से लेकर रात तक जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे घर में यूज करते हैं, सोप से लेकर शैम्पू हो गया, कुछ मेडिसिन हो गए, टूथपेस्ट हो गया, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हम कोई ना कोई दुकान से खरीदते हैं। लेकिन अगर आप ये सारे प्रोडक्ट माय रिचार्ज की दुकान से खरीदते हैं तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बदलाव आ सकता है। आपको 11 बेनिफिट्स मिल सकते हैं। 11 बेनिफिट्स, कौन कौन से बेनिफिट्स है उसके बारे में जानें। सबसे पहला बेनिफिट है फ्री प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, जो पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे शायद उनको विश्वास नहीं आएगा कि फ्री प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, हमारी कंपनी एक जबरदस्त कंसेप्ट चलाती है स्मार्ट कंज्यूमर, जिसमें आप जो रोजमर्रा की जो प्रोडक्ट्स होती है, जो आपको हर महीने जरूरत पड़ती है, ऐसे प्रोडक्ट अगर आप 6 महीने तक परचेस करते हैं, 2500 से लेकर 5000 रुपए के प्रोडक्ट अगर आप 6 महीने तक परचेस करते हैं, 7वें महीने भी आपको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, आप प्रोडक्ट परचेस भी करेंगे लेकिन आपको उसका पैसा देना नहीं पड़ेगा, 7वें महीने आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरा बेनिफिट है कि ऑलरेडी जो आप 6 महीने प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसमें भी लगभग 30% तक आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों हम दुकान में जाके MRP पे प्रोडक्ट परचेस करते हैं, यहाँ पे MRP पे प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा बेनिफिट है कि माय रिचार्ज कंपनी जो है उसका नाम है माय रिचार्ज आयुर्वेदा, यानी कि यहाँ पे आप अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं आपकी जिंदगी से केमिकल निकल जाएगा। दोस्तों केमिकल के बारे में बोलने जाऊंगा तो 1 घंटा चला जाएगा और आप बोलने जाओगे तो शायद 2 घंटा बोल पाओगे, क्योंकि आज हर कोई जानता है कि ज्यादातर प्रॉब्लम केमिकल युक्त आहार और केमिकल युक्त प्रोडक्ट यूज करने से होते हैं। यहाँ पे राइट साइड में कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड शुगर, स्किन प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, ये सारे प्रॉब्लम केमिकल की वजह से होते हैं। तो अगर आप माय रिचार्ज को एक्सेप्ट करते तो आपकी जिंदगी से केमिकल भाग जाएगा और उसकी जगह ले लेगा आयुर्वेदा। दोस्तों आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है, पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मान चुकी है। आज अमीर से अमीर लोग भी आयुर्वेद की तरफ बढ़े और कोरोना में आयुर्वेद ही
जो है वो पूरी तरीके से सफल साबित हुआ, तो आपकी जिंदगी में आयुर्वेद आएगा, तो आप और आपका पूरा परिवार हेल्थी रहेंगे और आप दीर्घायु भी हो जाएंगे। पांचवा बेनिफिट है कि दोस्तों, जैसे आप माई रिचार्ज कंपनी के प्रोडक्ट के यूजर बनते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो आपको एक खास एप्लीकेशन को एक्सेस करने की परमिशन मिल जाती है। उस एप्लीकेशन से आप मोबाइल रिचार्ज, डिश टीवी रिचार्ज, डेटा कार्ड रिचार्ज, गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, LIC का प्रीमियम, बस टिकट, एयर टिकट, होटल बुकिंग, मनी रेमिटेंस, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये सब कुछ आप आज भी कर रहे हैं लेकिन अलग अलग एप्लीकेशन से, और आपके काम करने से उस एप्लीकेशन को पैसा मिलता है। लेकिन अभी ये सब कुछ करने से आप वो सारा पैसा बचा सकते हैं और खुद वो पैसा कमा सकते हैं। अब जिंदगी बदलने की बात, आप कहें कि सर जिंदगी कैसे बदले? दोस्तों, जिंदगी एक चीज से बदलती है और वो है पैसा। पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा कमाएंगे तो लगभग 90% प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सिर्फ प्रोडक्ट के यूजर बने, बिजनेस करने का मौका टोटली फ्री। उसके लिए हमें एक रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने समय के हिसाब से अपनी जॉब को, अपने दुकान को, अपनी खेती बाड़ी को, बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना महीने 10,000, 15,000, 20, 25, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 कमा सकते हैं। डिपेंड ऑन योर एबिलिटी कि आप यहाँ पे समय कितना देते हैं। आप कुछ फोटोज यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे कुछ लोग लाखों रुपया महीने कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो 30,00,000 रुपया महीने कमाए, कुछ लोग ऐसे भी है जो 10,00,000 रुपया महीने कमाए, 20,000, 25,000, 50,000, ढेर सारे लोग है जो यहाँ से बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। अब इनकम के बाद आगे बात करते हैं कि दोस्तों, जिंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज होती है। हम जब तक है तब तक तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन हमें कुछ हो गया तो परिवार का क्या? तो कंपनी ने यहाँ पे एक रॉयल्टी क्लब जो है वो आपके सामने रखा है, और अगर आप इस रॉयल्टी क्लब के बेनिफिट लेते तो कंपनी के टर्नओवर से आपके घर पे हर महीने एक इनकम आना शुरू होगा, यानी कि आप और आपका परिवार सिक्योर हो जाएगा। और खुशी की बात है, 1650 से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी इस बेनिफिट का फायदा ले रहे हैं। उसके बाद ट्रैवल फंड, आपने कहा कि सर आपने पैसा कमाने की बात की, लाइफ सिक्योर करने की बात की, लेकिन घूमने की तो बात कीजिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सिंगापुर टूर, यहाँ पे 180 से ज्यादा लोग ऑलरेडी सिंगापुर जा चुके हैं, और बहुत जल्दी एक दूसरा भी टूर होने वाला है। 1290 से ज्यादा लोग जो है वो ट्रैवल फंड, कंपनी का एक फंड है जो कंपनी का टर्नओवर उसमें से 3% पैसा उसमें जाता है, जो भी ट्रैवल फंड क्वालिफाई करता है उसको आने वाले समय में रेगुलर अंतराल पे कंपनी जो है वो फॉरेन की ट्रिप कराती है। अब हमने बात की फॉरेन ट्रिप की, तो अब हम बात करते हैं गाड़ी की। दोस्तों, 371 से ज्यादा लोग यहाँ पे कार फंड का बेनिफिट ले रहे हैं। कार फंड में भी कंपनी जो है अपने टर्नओवर से 3% पैसा यहाँ पे अलॉट कर रही है। अब हमने गाड़ी की बात की, देखिए ये कई सारे फोटो है, अगर हम सारे फोटो डालेंगे तो 15 पेज और आ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है लगभग 500 से ज्यादा लोग यहाँ पे कार अचीव कर चुके हैं। अब बात के हाउस फंड, आपके सपनों का घर, और उस घर को मेंटेन करने के लिए कंपनी अपने टर्नओवर में से 2% पैसे का एक हाउस फंड डिजाइन किया है। अगर आप हाउस फंड को क्वालिफाई करते हैं तो आपको अपने घर को मेंटेन करने के लिए, उसका इंस्टॉलमेंट भरने के लिए भी हर महीने आप यहां से इनकम जनरेट कर सकते हैं, और 148 से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी इस हाउस फंड का बेनिफिट ले रहे हैं। दोस्तों, इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए, ये चेहरा दिखने में आपके और मेरे जैसा है, लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसने इस सिस्टम से 18 बार 1 करोड़ रुपया कमाया। दोस्तों, कई सारे लोग बोलते हैं करोड़पति करोड़पति करोड़पति, 18 करोड़ रुपए ये व्यक्ति कमा चुके हैं। ये बिल्कुल आपकी मेरी तरह एक व्यक्ति है जिन्होंने इस कंपनी पे विश्वास किया, अपने पर विश्वास किया, मेहनत किया और 18 करोड़ से भी ज्यादा रुपए सिस्टम से कमा चुके हैं। अगर रतन पारिया सर कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हैं। दोस्तों, अब हम शुरुआत से शुरू करते हैं। हमने देखा कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस करने जाएंगे तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो हाई इन्वेस्टमेंट। माई रिचार्ज में नो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अनुभव चाहिए, बिजनेस में अनुभव चाहिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में। माई रिचार्ज में कोई अनुभव की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी द बेस्ट नाम की एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है, आपको तैयार करती है और आपको सपोर्ट किया जाता है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस में देखिए कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको लोन लेना पड़ेगा, यहाँ पे कोई लोन की जरूरत नहीं। वहां पे आपने पैसा लगाया तो पैसा जाने का खतरा है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, कोई खतरा नहीं। वहां पे टैक्स का टेंशन है, यहाँ पे टैक्स का कोई टेंशन नहीं है। तो बस अब आपको डिसीजन लेना है और इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को एक बार हाथ टेक के इसके साथ आपको काम करने की शुरुआत करनी है। दोस्तों, मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप म्यूट मोड पे है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आप खुद से सवाल पूछिए और खुद ही जवाब दीजिए कि इस पूरे सिस्टम में, जैसे मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई, मैंने आपको रॉयल्टी दिखाई, कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड, मैंने आपको बोला कि आपके घर में आयुर्वेद आएगा, केमिकल निकल जाएगा, दुकान बदलने से जिंदगी बदलेगी, लाखों रुपया कमा सकते हैं, आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी इस पूरे प्लान में?
और अगले 3 से लेकर 4 महीने में आप इस सिस्टम से कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये दो सवाल का जवाब आपको ढूंढना है। अब इस सिस्टम के साथ शुरुआत कैसे करें, क्योंकि मुझे पता है इतना सब कुछ जानने के बाद आप इस सिस्टम के साथ शुरुआत करने के लिए बेताब हैं। शुरुआत करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक डायमंड क्लब। दोस्तों डायमंड क्लब कंपनी का एक प्रेस्टिजियस क्लब है। अगर आप इस क्लब में एंटर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 6000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट से अपने बिजनेस की शुरुआत करनी, यानी कि आपको जो परचेस करेंगे पहला वो 6000 बिजनेस वॉल्यूम से आपको करना है। हर प्रोडक्ट के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग बीवी बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं। अगर आप डायमंड क्लब करते हैं जिसके कुछ खास बेनिफिट है, पहला बेनिफिट है कि आपको अपने ही परचेस पे 15% तक तो डायरेक्टली आपको कमीशन मिल जाए, और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप 1 साल तक डायमंड क्लब करते हैं तो आपको साल में 2 बार 7000 रुपए का, यानी कि 14000 रुपए का आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, 14000 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, और उसी के साथ आपको 1 बार 2 night 3 day का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी बढ़िया से रिसोर्ट में, वहां पे 2 night रुकना है और 3 दिन शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें कंपनी से जो टॉप मैनेजमेंट है और लीडर से वो आएंगे और आपको ट्रेन करेंगे कि किस प्रकार से आप इस सिस्टम से आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने परिवार से किसी एक व्यक्ति को लेकर 5-star होटल में जो है 1 night or 2 day का आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये डायमंड क्लब के बेनिफिट है, आप डायमंड क्लब से शुरू कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन स्मार्ट कंज्यूमर का है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम 6 महीने तक 5000 रुपए के प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो 7वें महीने बिल्कुल उतने अमाउंट का प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ पे फ्री मिलता है। तो ये 2 ऑप्शन है इस सिस्टम के साथ ज्वाइन करने के, आपको दोनों में से जो बेटर लगे उसके साथ आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अगर आप मेरा सजेशन मानते हैं तो आपको डायमंड क्लब से शुरू करना चाहिए, क्योंकि डायमंड क्लब से शुरू करने का मतलब है कि आप एक लीडर हैं और लीडर ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मौका है, इस मौके के ऊपर चौका मारने की जरूरत है। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसके साथ शुरू करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग में बुलाया है उस व्यक्ति के साथ इस मीटिंग के बाद तुरंत बात करके इस बिजनेस के साथ काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को विराम दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सही तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेम लिंबू सर को कि वो अपनी बात को यहाँ पे कंटिन्यू। थैंक यू सर, एक बार सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। सर ने बहुत बढ़िया तरीका से हम लोग को जो है इस मौका का जो सिस्टम का जो प्लान है, किस तरह से हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, इस बिजनेस का क्या पोटेंशियल है और किस प्रकार से हम लोग इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, सारा चीज सर ने पूरा मतलब क्लियरिटी से हम लोग को बताया, और सर को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। और अभी वक्त हो चुका है और एक ऐसा शख्सियत से हम लोग को मिलने का जो सिस्टम से वो एक आम आदमी से वो खास आदमी आज का डेट में बन चुका है और बहुत ही आगे बन चुका है और बहुत लोगों का इस मतलब सिस्टम में आदर्श बन चुका है, मिस्टर वासुदेव सर। मैं सर को एक बार बुलाना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा, सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। थैंक यू प्रेम लिम्बू जी, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी हाँ, ये माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग जो हम बोलते हैं ये हमारी स्लोगन है, हमारी गर्व की स्लोगन है। मैं धन्यवाद देता हूँ चेतन सर को कि सर का जो प्रेजेंटेशन आज हमने सुना, ये मुझे लगा कि ये सिर्फ हमारे नहीं है, जिसका राहु और शनि की दशा नहीं है वो सबका समझ में आ जाएगा। तो निश्चित रूप से अब सभी का ये चीज समझ में आया। दोस्तों मेरा नाम वासुदेव, मैं रहने वाला वर्धमान का लेकिन काम करने वाला पूरे हिंदुस्तान का है, और आज जो सिस्टम के बारे में आपने सुने हैं, ये सिस्टम की ताकत क्या है, ये सिस्टम क्या दे सकता है आपको, उसका थोड़ा बहुत चीज मैं आपसे शेयर करूंगा क्योंकि मौका जब मिला है मुझे। दोस्तों इस बिजनेस को शुरुआत करने के पहले मेरा परिचय जो है, मैं एक कपड़ा के हॉकर था, लोगों का घर घर जाके कपड़ा बेचना मेरा काम था, और ये कपड़ा बेच बेच के मैंने अपना फैमिली को चलाया। दोस्तों जब मैंने कपड़ा बेचता था उस समय हमारे 200 से 300 रुपए की इनकम होता था, और 200 से 300 रुपए की इनकम से मुझे समझ में आया उस समय कि 300 रुपया में हमारे फैमिली चल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलना स्टार्ट किया, जब आपने कुछ अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग दोस्त के साथ मिलना शुरू किया, तो मैंने देखा
कि ये 300 रुपया से हमारे जिंदगी नहीं चल सकता है। फिर आगे जाके मैंने शादी भी की, मेरा बेटी बेटी का भी जन्म हुआ है, बहुत सारा चीज। तो एक दिन जाके मुझे अचानक दिमाग पे आया कि ये 300 रुपया से आपका फैमिली नहीं चल सकता है। तो मैं ढूंढ रहा था कुछ, सन 2012 में हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला था, और दोस्तों जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाया वो रोड पे खड़ा खड़ा होके मुझे दिखाया। आज तो आपको मौका मिला है कि आपने कंबल के नीचे कोई किसी ने घर पे रह के वेब के जरिया, डिजिटल इंडिया के जरिया आपने आज ये सिस्टम को देख रहे हैं, आज ये चीज की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन हमारे समय आज से 11 साल पहले वो चीज नहीं था। हमारे समय एक छोटा सा मोबाइल से हमने लोगों के पास पहुंचा, और लोगों के पास पहुंच के उस समय कंपनी के पास जो चीज था वो है डिजिटल इंडिया। हमने 10 की रिचार्ज किया, आज भी करते हैं, लेकिन उस समय 10 की रिचार्ज किया, लोगों के अंदर बिलीफ पैदा हुआ, लोगों ने हमारे साथ जुड़ा और जुड़ के एक मिसाल खड़ा हुआ। दोस्तों मैंने आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जिंदगी जो शुरुआत हुआ था वो साइकिल से शुरुआत हुआ था, लेकिन धीरे 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 मैंने एक सपना बनाया था कि मैंने उस समय 2012 में, आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा अगर बैक में जाएंगे तो एक इंसान के घर पे एक 4-व्हीलर होता तो बहुत बड़ा चीज होता। तो मेरा भी एक सपना था, लेकिन आज भी वो दिन मुझे याद है, 2012 में कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में हमारे मालिक, हमारे अन्नदाता, हम जिसको गॉड मानते हैं, जिसको मैं लाइफ चेंजर मानते हैं, उनसे मैंने पूछा था कि सर मेरा 37 साल की उम्र है, इस उम्र में हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा सपना है, तो क्या मैं इस सिस्टम को बढ़िया तरीके से अगर करूं तो क्या मिल सकता है। सर ने उस दिन मुझे जवाब दिया था कि आपका 37 साल में जो चीज नहीं हुआ, 1 साल में वो चीज आप हो सकता है। दोस्तों आपको क्या क्या लगे इस बात के ऊपर, मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन मैंने उस दिन उस आदमी का, उस इंसान का, उस भगवान के बात को बिलीव किया था, और सिर्फ 8वां महीना में मैंने इस सिस्टम से इनकम करके मैंने वो इरादा पक्का किया था और मैंने पहला 4-व्हीलर परचेस किया था। लेकिन दोस्तों मेरा बिलीव था, मेरा टारगेट था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ हासिल करना है, तो आगे जाके मैंने एक कार नहीं, मैंने आगे जाके 50 लाख के BMW कार जो होता है उसको भी मैंने कंपनी से अचीव किया था। हाँ दोस्तों, इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो हम सभी लोग करते हैं सुबह से शाम तक, क्यों करते हैं कि पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म, आपने जो प्लान को देखा है, इस प्लान के जरिए आप चाहे तो आपका जिंदगी का सारे सपना को आप कर सकते हैं। दोस्तों मेरे जिंदगी की जो शुरुआत हुआ था हाया चप्पल से, आज 2022 तक मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैं जिंदगी को जो चेंज कर रहे हैं, आज मैं जिंदगी को जो एस्टेब्लिश करने के लिए दौड़ रहे हैं वो हवाई चप्पल से नहीं, वो आज मुझे मजबूरी है कि मैं हवाई जहाज से वो चीज को हम मेंटेन करते हैं। आप सोचिए इस बिजनेस की ताकत क्या है, आप सोचिए कि इस प्लान के अंदर पावर क्या है, आप सोचिए कि इस मैनेजमेंट के अंदर, इस कंपनी के अंदर क्या पावर है। आज मैं महीना में 15 से 20 दिन आसमान में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, मैं अपने जरिए अपने क्वालिटी के बजाय नहीं उड़ते, इस प्लान के अंदर, इस कंपनी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर इतनी पावर है, जो पावर के जरिए आज मैं ये चीज को हासिल कर चुका हूं। दोस्तों ये सिर्फ हम नहीं है, मैंने पिछले 11 साल में जो चीज किया है, आप मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, आप चाहे तो वो चीज को 2 से 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप उस चीज को आप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। हाँ एकदम दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने धीरे धीरे इस सिस्टम से, मैंने कभी सोचा नहीं है कि मैं कपड़े के हॉकर है, मैं तो काम तो बहुत बहुत किया, लेकिन मेरा जो सपना था ना वो धीरे धीरे, मैं 2019 में सिस्टम का ब्रांड एम्बेसडर बना, फिर आगे जाके आज मैं डबल डायमंड डायरेक्टर हूं और महीना में 4 से 5 लाख के इनकम लेता हूं मैं। दोस्तों आप अगर चाहते हैं तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा है कि पाड़िया साहब को, वो मेरा मेंटर है, वो मेरा रोल मॉडल है, अगर पाड़िया साहब ये काम को कर सकता है तो मैं भी इसको कर सकता हूं। और दोस्तों आज तक मैंने इस सिस्टम से 8 बार करोड़पति बन चुका हूं। जी हाँ, एक कपड़ा के होकर अगर करोड़पति बन सकता है तो हमारे साथ जो 500 जो 600, मैं आप तो दिख रहा है यहाँ पे 500, लेकिन मैं मानता हूं कि 500 नहीं है, ये 5 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज जो मीटिंग कर रहे हैं वो आने वाला दिनों में इस मीटिंग को हाईलाइट भी करेंगे, इसका यूट्यूब में भी शेयर होगा, और इस मीटिंग करके आप भी इस सिस्टम से करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, एकदम एकदम फाइनल है। लेकिन दोस्तों इनके लिए एक चीज आपको करना पड़ेगा, वो है बिलीव, वो है विश्वास। आपको याद है कि आज से कुछ साल पहले साउथ इंडिया में एक ट्रेन जाती थी, वो उसका नाम है गणेश्वरी एक्सप्रेस। उस गणेश्वरी एक्सप्रेस का ओडिशा का कहीं जगह पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। क्या उस एक्सीडेंट के बाद क्या उस रोड में ट्रेन चलना बंद हो गया?
क्या उस एक्सीडेंट के बाद उस रोड पे लोगों ने जाना छोड़ दिया? नहीं, आज भी अगर आप ट्राई करेंगे, मैं वेस्ट बंगाल से ट्राई करता हूं तो साउथ इंडिया से, कोलकाता से साउथ इंडिया जाने के लिए दो दो महीना तीन तीन महीना वेट करना पड़ता। क्यों? लोगों का भरोसा है, लोगों का बिलीव है कि एक बार ज्ञानेश्वरी एक्सीडेंट किया है, बार बार नहीं करता है। तो दोस्तों यहां पर भी आपको बिलीव करना पड़ता है, और मैंने बिलीव किया, और बिलीव किया तो आज ये इतना बड़ा चीज हमारे पास आ चुका है। आप भी अगर बिलीव करेंगे, बिलीव एक बहुत बड़ा चीज होता है, आप भी अगर करेंगे तो आप भी इस सिस्टम से बहुत सारा चीज को ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसके लिए एक डिसीशन की जरूरत है, ये चॉइस की जरूरत नहीं है, डिसीशन की जरूरत है। दोस्तों मैंने जिस दिन इस प्लान को सुना उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि ये बिजनेस मुझे करना है। जब सर के पास से हमने सुना कि एक साल में हो सकता है, उस दिन मैंने डिसीजन लिया। जब हमने सुना कि यहां से इतना पैसा इनकम हो सकता है, जब पाड़िया साहब का इनकम हमने देखा, जब देखा कि यहां से हो सकता है, उस दिन हमने डिसीजन लिया। दोस्तों आज ये जूम मीटिंग आप देख रहे हैं, आप इस जूम मीटिंग को देखने के बाद अगर पड़ोसी से, अगर परिवार से, माँ बाप से, अगर आप वाइफ से पूछेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि मीटिंग आपने देखा, प्लान आपने सुना, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। और एक डिसीजन से आप जिंदगी को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं दोस्तों, इतना मैं तो मानता हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस बिजनेस को करने के लिए क्या आपका क्या रिस्क है, क्या खोने का क्या चीज है? मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, हिंदुस्तान में बिजनेस में सबसे ज्यादा जो आगे है वो मरवाड़ी संप्रदाय है। मैं मानता हूं क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां पे मरवाड़ी भरा हुआ है। मरवाड़ी क्या देखता है? उस मरवाड़ी का जो बिजनेसमैन है वो एक ही चीज देखता है कि मैंने डाला कितना, मैंने पाया कितना, मैंने खोया कितना। चेतन सर ने मुझे बताया, यहाँ पे दिखाया कि आपको यहाँ पे सिर्फ दुकान को बदलना है, तो यहाँ पे रिस्क क्या है? दोस्तों मैंने सुबह से शाम तक क्या करता हूँ, आज मीटिंग करने के पहले हमने जो सेव किया उसका क्रीम हमारे कंपनी का है, हमने जो ब्रास किया, हमने जो ये किया वो हमारे कंपनी का है, हमने सुबह उठ के जो मानगोल पिया वो हमारे कंपनी का है, हमने जो साबुन लगाया वो हमारे कंपनी का है, हमारे जो पपाया फेस वॉश लगाया वो हमारे कंपनी का है। तो वही चीज तो आपको बदलना है ना, तो ये चीज को अगर बदल देंगे, अगर आपने एक डिसीजन लेंगे कि मुझे बाजार के कंपनी की प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है, मुझे मेरे कंपनी को यूज करना है, तब आप इस चीज को कर सकते हैं। दोस्तों शुरुआत मैं भी किया था, मैंने 2-4-5-10 लोगों को बताया, 6 लोगों को बताया, 10 लोगों को बताया, लेकिन आज पूरे इंडिया में 6 लाख लोगों की एक टीम खड़ा हो चुका है। मेरा टारगेट है आने वाला दिनों में 130 करोड़ में से 1 करोड़ की टीम के निर्माण करेंगे, और मुझे ज्यादा पैसा की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ की टीम से अगर मुझे 1-1 रुपये की आएगा तो महीना के 1 करोड़ की इनकम मैं ले सकता हूं। जैसे रिलायंस की बात हुआ यहाँ पे, जैसे धीरू भाई की बात हुआ यहाँ पे, अगर धीरू भाई अंबानी ने यह चीज कर सकता है तो बासु घोष भी ये चीज बना सकता है। वो मेरी उम्मीद, वो मेरी एनर्जी, वो सब कुछ हमारे पास है और उसको मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं एक हमारे दोस्त है, बहुत मित्र है, जिसके साथ मैंने पढ़ाई किया है, मैंने और वो दोनों आदमी इस मीटिंग का मैंने सुना था एक बार, लेकिन उस दिन डिसीजन नहीं ले पाया। मैंने उस दिन साइकिल में था, मेरा दोस्त भी उस दिन साइकिल में था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब मैंने इस सिस्टम से 200-500 हजार रुपये की इनकम लिया तो दोस्तों ने बताया कि ठीक है चलो मैं आगे करता हूं। फिर मैंने जब 4-व्हीलर लिया, फिर भी उनको बताया तो बोला कि मैं बाद में करता हूं, तो एक बड़ा सा गाड़ी ले। मैं बड़ा सा गाड़ी अचीव किया, फिर भी वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन नतीजा क्या है उसका? नतीजा मुझे आज भी खराब लगता है। आज वो साइकिल से घूमता है, उसका साइकिल जब चलाता है तो उसका साइकिल से डीजे बजता है। आपको पता है साइकिल में डीजे कैसे बजता है? आप कोई पुराना साइकिल को चला के देख लेना, उसमें से बहुत सारा आवाज निकालता है, बहुत सारा डीजे ये करता है, लेकिन एक डिसीजन की बजाय क्या है, उसका साइकिल में डीजे बज रहा और मेरा गाड़ी में डीजे बज रहा, मेरा 4-व्हीलर में डीजे बज रहा। तो आप कहां डीजे बजाना चाहते हैं, अपना साइकिल में डीजे बनाना चाहते हैं या अपना गाड़ी में डीजे बनाना चाहते हैं? ये डिसीजन आज सुबह आपको लेना पड़ेगा, और ये डिसीजन अगर आप ले सकते हैं तो बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। दोस्तों शुरुआत मैं भी किया था, शुरुआत में मुझे भी बहुत सारा ये चीज हुआ था, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैंने 2600 रुपये की इनकम लिया और मैंने पहला टूर किया अपना डिब्रूगढ़, जिस दिन उस टूर पे मेरा खर्चा हुआ था लगभग 6000 रुपये की। लेकिन मुझे उम्मीद था, मुझे बिलीव था, मुझे भरोसा था इस कंपनी के प्रति, मुझे भरोसा था इस सिस्टम के प्रति। जिस महीना मैंने 10000 की इनकम किया, उस महीना मैंने 20000 की खर्च किया। दो लोगों के लिए मैंने पूना पहुंच गया, दो लोगों के लिए मैंने डिब्रूगढ़ पहुंच गया। आज दोस्तों यहाँ पे आपको भी शुरुआत उसी हिसाब से करना, पहले आप फायदा की बात मत सोचिए, आप एक डिसीजन लीजिए
कि मैं केमिकल छोड़ के मैं आयुर्वेदा को इस्तेमाल करेंगे, ये डिसीजन ही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। शुरुआत आप करेंगे तो पहला दिन आप 10 को बताएंगे तो 1 का समझ में आएगा, दूसरा दिन आप 20 को बताएंगे तो 5 का समझ में आएगा, लेकिन जब आप कॉन्क्रीट हो जाएंगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, दोस्तों प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बिकता है, प्रोडक्ट सामान यहाँ पे नहीं बिकता है, कॉन्फिडेंस बिकता है। कॉन्फिडेंस जिस दिन आपका स्ट्रांग हो जाएगा उस दिन 10 को बताएंगे तो 20 का समझ में आएगा, और आने वाला दिन में किसी के कंधे पे हाथ रख देंगे तो भी वो आपके साथी बन के आपके सिस्टम पे आ जाएगा। दोस्तों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चीज मैं आपको बता सकता हूं कि इस साल में 2022 फरवरी महीने में मैंने अपनी बेटी की शादी दिया, जहां पे 1 करोड़ के ऊपर मैंने खर्च किया, फिर बेटा का एडमिशन करवाया बाहर की पढ़ाई के लिए, फिर अपना मम्मी गुजर गई, तो लगभग मैंने 1.5 करोड़ रुपया इसी साल में मैंने स्पेंड किया। ये एक भी पैसा मेरा बाप का, मेरा पिताजी का नहीं है, ये सारा पैसा जो है माय रिचार्ज आयुर्वेदा का है। और उम्मीद है हमारे कि आने वाला दिनों में साल में मैं 5 करोड़ रुपया खर्च कर सकता हूँ, इतनी पावर हमारे सिस्टम के अंदर है, इतनी पावर हमारे प्लान के अंदर है। तो ऐसा एक जबरदस्त प्लान आपने देखे होंगे आज, लेकिन यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ दुकान बदलने से आपका बदल जाएगी जिंदगी। दोस्तों मैंने 15 रुपए की साबुन से नहाता हूं, मेरे दामाद ने वो 15 रुपए की साबुन देख के मुझे कहा कि आप इतना छोटा, इतना कमा वाला साबुन से आप नहाते हैं, मुझे गर्व महसूस होता है। उनके जवाब मैंने दिया था, हमारे MD सर को पता है कि उन्होंने भी हमारे बेटी की शादी में कन्यादान करने के लिए आए थे, तो मैंने जब बताया कि बेटा वो 15 की साबुन तो तुम देख रहे हैं, 15 की साबुन बहुत छोटा है, लेकिन ये शादी के त्योहार में, इस शादी के प्रोग्राम में जो करोड़ों खर्चा हुआ ना, इसी 15 रुपए की साबुन से निकला हुआ है। उस दिन से वो बताता नहीं है मुझे कि 15 रुपए की साबुन, वो आप देखते हैं 15 की साबुन निकले, मैं देखता हूं उसको करोड़ों की साबुन देखता हूं। तो ये दुकान बदलने से आपको करना क्या है, करना तो वही है ना। दोस्तों आप मुझे बताइए कि आप जब सब्जी मार्केट में जाते हैं क्या उसकी एडवर्टाइज देख के सब्जी मार्केट में जाते हैं, आप जब चिकन खरीदते हैं क्या उसकी एडवर्टाइज टीवी में देखते हैं, आप जब अंडा खरीदते हैं क्या उसकी एडवर्टाइज टीवी में देखते हैं? नहीं दोस्तों, आप मार्केट में जाके खुद अपने आंखों से देख के आप डिसाइड करते हैं कि इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। ये सिस्टम भी वही है, दुकान बदलना है, दुकान बदलना है। आप बाहर की दुकान से लेते हैं तो भारत की माधुरी दीक्षित शाहरुख खान अमीर बनता है, लेकिन इस दुकान से लेंगे तो मैं और आप खुद और आपके रिश्तेदारों ने, आपके पड़ोसी ने यहाँ पे अमीर बनेगा। तो सिर्फ दुकान को बदलना है, और क्या करना है यहाँ पे, हमने नहीं लेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के कंपनी है, हिंदुस्तान में इसकी प्रोडक्शन हो रहा, मैं जो इस्तेमाल करेंगे वो हिंदुस्तान में इस्तेमाल करेंगे, मैं बाहर की प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, ये मेरा नीति है, ये मेरा डिसीजन है, मैं बाहर की कंपनी को यूज नहीं कर सकता, मैं आयुर्वेद मेरा गर्व है, आयुर्वेद मेरा स्वाभिमान है, मैं इसको इस्तेमाल करेंगे। बस एक छोटा सा चीज, दुकान को परिवर्तन कर दीजिए, आपका जिंदगी जैसे मेरा बदला है, जैसे लाखों लोगों का बदल रहा है, ऐसे आपका भी बदलेगा, एक छोटा सा डिसीजन आपको चेंज कर सकता है। दोस्तों ये मेरा पुराना घर है, ये मेरा नया घर है, मैं आपको दिखाने के लिए कहीं से फोटो खींच के नहीं लाया हूं, किसी को अगर डाउट है, किसी को अगर देखना है तो आ जाइए, आज भी मैं दिखा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे जो फोटो मैंने आपको दिखाया इससे भी जर्जर अवस्था मैं आपको दिखाऊंगा इस घर का, क्योंकि मैंने इसको सुरक्षित रखा है लोगों को दिखाने के लिए। और आज मैं करोड़ों का जो बंगला लिया है, ये हमारे जरिया नहीं, ये हमारी ताकत से नहीं, ये सारा जो लिया है माय रिचार्ज आयुर्वेदा मुझे दिया है, और आने वाला दिनों में एक नहीं, आने वाला दिनों में मैं 10 खरीद सकता हूं, इतनी पावर इस सिस्टम के अंदर है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा प्रेजेंट की जो फोटो है वो आप देख रहे हैं, वो मेरा पुराना फोटो है, जो 20 साल पुराना फोटो है। क्या आप या इसमें से अंतर कुछ डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा? अगर आपको नजर सही है, अगर आप मार्केट में जाते हैं, अंडा खरीदते हैं, चिकन खरीदते हैं, तो ये 2 फोटो से आप डिसाइड कीजिए। ये मेरा पुराना जिंदगी, 20 साल पुराने, जब मैंने कपड़े के हॉकर था, जब मैंने 300 रुपए की इनकम करता था, और ये आज मैं जब मैं 5 लाख के आसपास इनकम लेता हूं, तब का फोटो है। हाँ दोस्तों, डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि त्योहार में जब आपका दोस्त जाता है, उसके बीवी के शरीर में जो कपड़ा होता है 5,000-10,000 की, उसके गले पे जो गोल्ड होता है, वो खोल के आपको नहीं देता है आपके वाइफ को पहनाने के लिए। तो ये डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दिया हूं। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो नए हैं, मैं उसको वेलकम करता हूं। अगर एक कपड़ा के हॉकर इस सिस्टम से 8 करोड़ रुपया कमा सकता है, तो आप मेरे से बहुत बड़ा इंसान है, आप मेरे से बहुत ज्यादा ईमानदार है, बहुत इरादा आपका है, बहुत कुछ आपके पास है,
मैं आपके साथ हूं, कंपनी आपके साथ है, हमारे ट्रेनर आपके साथ है, सिर्फ आप जुड़ जाइए, डिसीजन लेके आने वाला दिनों में आप भी तूफान खड़ा करेंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्रेम लिंबू सर को इनवाइट करता हूं कि प्रेम लिंबू सर अब आइए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। नमस्कार दोस्तों, वासुदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद। वासुदेव जी के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो सकती है दोस्तों, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी के माध्यम से हमको बताया कि किस प्रकार से माय रिचार्ज से उनकी जिंदगी बदली है। 8 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया है। एक व्यक्ति जो साइकिल से सफर शुरू किया था, आज वो कैसी जिंदगी जी रहा है, उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि माय रिचार्ज से पहले का उनको फोटो कैसा दिखता था, वो कैसे दिखते थे, आज वो कैसे दिखते हैं, माय रिचार्ज से पहले का उनका घर कैसा है और आज उनका घर कैसा है। तो दोस्तों ये एक रियलिटी है, हम लोग जिंदगी भर एक वर्ड को पकड़ते हैं कि करोड़पति, कि अगर करोड़पति बन जाएगा तो मजा आ जाएगा, करोड़पति बन जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। लेकिन आप माय रिचार्ज में देखिए, वासुदेव जी 8 बार करोड़पति बन चुके हैं और बहुत से और लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम के साथ अपने मुकाम हासिल किए हैं, अपने सपने पूरे किए। लेकिन आज दिन वासुदेव जी का था और मैं उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी की जो कहानी है वो हमारे साथ शेयर की। दोस्तों अब इस मीटिंग को सुनने के बाद आपको तुरंत ही उस व्यक्ति को फोन करना चाहिए जिसने आपको इस मीटिंग में इन्वाइट किया है और आज इस बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते दोस्त, एक मौका ही इंसान की जिंदगी बनाता है। अगर लता मंगेशकर को सिंगिंग का प्लेटफॉर्म ही ना मिला होता तो वो कितनी भी अच्छी सिंगर है वो एक महान सिंगर नहीं बन पाती। अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता तो वो महान सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाते। आज इस कंपनी के साथ शुरुआत करने में हमें कोई रिस्क नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ अपनी खरीदारी करने की जगह बदलने की जरूरत है, दुकान बदलने की जरूरत है और डिसीजन लेने की जरूरत है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेते हैं और दूसरे जिनके फैसले वो खुद कभी नहीं ले पाते, हालात, परिवार वाले, दोस्त, समाज, आसपास के लोग उनकी जिंदगी के फैसले लेते हैं, लेकिन वो फैसले आपकी मर्जी के खिलाफ होंगे। दोस्तों अगर आप अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको फैसले खुद लेने पड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए। मैं देख पा रहा हूं कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आज हमारे साथ लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं और प्रेम लिंबू सर आपका धन्यवाद, वासुदेव जी आपका धन्यवाद और बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली मीटिंग में। कल सुबह ही 6:30 बजे फिर से हम इस मीटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार फिर से आप आ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ। एग्जैक्टली 6:25 पे मीटिंग शुरू होगी, एक बार फिर से इस अपॉर्चुनिटी को दिखाएंगे। तो तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।